सस्ती रोटी आवाम के लिए ख्वाब बन गई। लाहौर में नान 15 और रोटी 8 रुपए की फरोख्त होने लगी। आटे की सरकारी रेट पर फरोख्त को यकीनी ना बनाया जा सका। 20 किलो थैले की आटा 850 के बजाय 1050 रुपए में फरोख्त। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। छोटे बड़े शहरों में बिजली घंटों गायब रहने लगी। कराची में 14-14 घंटे लोड शेडिंग से आवाम परेशान। लाहौर समेत पंजाब भर में बहरान संगीन हो गया। तहरीक इंसाफ के 22 माह के दौर में चौथे चेयरमैन एफबीआर की तैनाती। मोहम्मद जान जैब शब्बर जैदी के बाद नौशीन जावेद को भी हटा दिया गया। जावेद गनी 3 माह के लिए चेयरमैन एफबीआर तैनात। पीटीआई वाले सिर्फ इमरान खान का जरिया माश बताते। सैयद गनी का तहरीक इंसाफ से सवाल। अली जैदी को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं अली जैदी यूसी का इलेक्शन हार गए थे। जो यूसी चेयरमैन का इलेक्शन हार गया उसको वजीर बना दिया गया। वजीर आजम का एनसीओसी का दौरा। आर्मी चीफ भी हमरा थे। एनसीओसी की 100 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नतायज मिल रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से मईशत पर कम मनफी असरात पड़े। वजीर आजम की SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना वायरस का जोर बरकरार। मुल्क में मजीद 68 अमवात। तादाद 4619 हो गई। मजीद 3387 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासर अफराद की तादाद 2,25,000 से तजावुज कर गई। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन। जुल्फिकार अली भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टे। आज 43 साल बीत गए। 2 रोज में दूसरा ट्रेन हादसा। कानपुर के करीब शालीमार एक्सप्रेस की माल गाड़ी से टक्कर। शालीमार एक्सप्रेस का ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जख्मी हो गए। दुआ मंगी के वालिद ने 25 लाख रुपए तावान अदा करके बेटी को आजाद कराया। पुलिस ने चालान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। अगवाकार तावान के लिए इटली का नंबर इस्तेमाल करते रहे। केस के 5 मुलजिम पुलिस की हिरासत में हैं। पंजाब में आंधी के बाद बादलों की एंट्री। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, अटक और मियांवाली में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में 6 जुलाई से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पेमरा का आजाद सहाफत का गला दबाने की कोशिश। 24 न्यूज का लाइसेंस मौसल कर दिया गया। पेमरा का लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज। 24 न्यूज के मौकिफ को नजरअंदाज करके एक तरफा कार्रवाई की गई। वजीर आजम के फोकल पर्सन फहद हारून की अचानक पेमरा ऑफिस आमद। फहद हारून के जाने के बाद गैर कानूनी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। ट्वेंटी फोर न्यूज हुकूमत के गुस्से का ताजा निशाना बना। चैनल को आजाद एडिटोरियल पॉलिसी की सजा दी गई। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो कहते हैं चैनल मालिकान पर नाम निहाद मुस्बत रिपोर्टिंग का दबाव डाला जा रहा है। कठपुतली हुकूमत इख्तलाफ करने वालों की आवाज को कत्ल करने की कोशिश कर रही है। शहद खाकान अब्बासी बोले चैनल की बंदिश हुकूमत की नाकामी और पैमरा की कमजोरी है। पीटीआई वाले सिर्फ इमरान खान का जरिया माश बताते। सैयद गनी का तहरीक इंसाफ से सवाल। अली जैदी को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं अली जैदी यूसी का इलेक्शन हार गए थे। जो यूसी चेयरमैन का इलेक्शन हार गया उसको वजीर बना दिया गया। वजीर आजम का एनसीओसी का दौरा। आर्मी चीफ भी हमरा थे। एनसीओसी की 100 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नतायज मिल रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से मईशत पर कम मनफी असरात पड़े। वजीर आजम की SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना वायरस का जोर बरकरार। मुल्क में मजीद 68 अमवात। तादाद 4619 हो गई। मजीद 3387 अफराद में वायरस की तस्दीक।
मुतासर अफराद की तादाद 2,25,000 से तजावुज कर गई। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन, जुल्फिकार अली भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टे, आज 43 साल बीत गए। 2 रोज में दूसरा ट्रेन हादसा, कानपुर के करीब शालीमार एक्सप्रेस की माल गाड़ी से टक्कर, शालीमार एक्सप्रेस का ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जख्मी हो गए। दुआ मंगी के वालिद ने 25 लाख रुपए तावान अदा करके बेटी को आजाद कराया, पुलिस ने चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। अगवाकार तावान के लिए इटली का नंबर इस्तेमाल करते रहे, केस के 5 मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। पंजाब में आंधी के बाद बादलों की एंट्री, लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, अटक और मियांवाली में बारिश, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश, कराची में 6 जुलाई से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पेमरा का आजाद सहाफत का गला दबाने की कोशिश, 24 न्यूज का लाइसेंस मौसल कर दिया गया। पेमरा का लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज, 24 न्यूज के मौके को नजरअंदाज करके ही एक तरफा कार्रवाई की गई। वजीर आजम के फोकल पर्सन फहद हारून की अचानक पेमरा ऑफिस आमद, फहद हारून के जाने के बाद गैर कानूनी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। ट्वेंटी फोर न्यूज हुकूमत के गुस्से का ताजा निशाना बना, चैनल को आजाद एडिटोरियल पॉलिसी की सजा दी गई। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल, बिलावल भुट्टो कहते हैं चैनल मालिकान पर नाम निहाद मुस्बत रिपोर्टिंग का दबाव डाला जा रहा है। कठपुतली हुकूमत इख्तलाफ करने वालों की आवाज को कत्ल करने की कोशिश कर रही है। शहद खाकान अब्बासी बोले चैनल की बंदिश हुकूमत की नाकामी और पैमरा की कमजोरी है। ट्वेंटी फोर न्यूज की बंदिश के खिलाफ शहर शहर एहतजाज, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सहाफी सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में बड़े मुजाहरे, सहाफियों का कहना है कि हुकूमत ने सबसे पहले मीडिया पर शब खून मारा, 10 जुलाई को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज होगा। पीबीए की 24 न्यूज का लाइसेंस मौतल करने की शदीद मजम्मत, 24 न्यूज के साथ सैकड़ों खानदानों का रोजगार वाबस्ता है, पैमरा अपने ही मैंडेट की खिलाफ वर्जी कर रहा है, पैमरा के फैसले पाकिस्तानी मीडिया के लिए तबाहकुन साबित होंगे, पीबीए का पैमरा से फौरी वापस लेने का मुतालबा। ट्वेंटी फोर न्यूज की बंदिश के खिलाफ शहर शहर एहतजाज, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सहाफी सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में बड़े मुजाहरे, सहाफियों का कहना है कि हुकूमत ने सबसे पहले मीडिया पर शब खून मारा, 10 जुलाई को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज होगा। पीबीए की 24 न्यूज का लाइसेंस मौतल करने की शदीद मजम्मत, 24 न्यूज के साथ सैकड़ों खानदानों का रोजगार वाबस्ता है, पैमरा अपने ही मैंडेट की खिलाफ वर्जी कर रहा है, पैमरा के फैसले पाकिस्तानी मीडिया के लिए तबाहकुन साबित होंगे, पीबीए का पैमरा से फौरी वापस लेने का मुतालबा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स की तरफ से 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत, सदर अजहर अब्बास और सेक्रेटरी जनरल अमाद यूसुफ ने कहा कि पैमरा अपना फैसला वापस दे। सेक्रेटरी जनरल पीएफयूजे राणा अजीम, सदर पीयूजे शहजाद भट्ट, साबिक सदर पीएफयूजे अफजल भट्ट और सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज फारान की भी चैनल की बंदिश की मजम्मत। सहाफियों के ऊपर तो बहुत ज्यादा कड़ा वक्त है, आगे इतने लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं, मीडिया हाउसेज बंद हो चुके हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत सकत से अपने आप को चला रहे थे उनको बंद करने के लिए कैमरा जैसा महकमा मौजूद है। मैं इस चीज की पूरे के प्रोफेशनल की तरफ से पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं कैमरा से और गवर्नमेंट से और वजीरे इत्तला'आत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके चैनल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए।
सच को दबाने की कोशिश ना की जाए। पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत। यंग डॉक्टर्स ने भी 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। ट्वेंटी फोर न्यूज की बंदिश पर वकला तंजीमों का शदीद रद्द अमल। लाहौर हाईकोर्ट बार समेत दीगर वकला तंजीमों ने हुकूमती इकदाम आजादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार ताहिर नसरुल्ला वड़ाइच, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी का कहना है कि हुकूमत सच देखना ही नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की तरफ से भी 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत।